Hello everyone and welcome to Nagpur Namostate, a premium storytelling platform where we chronicle Nagpur and celebrate Nagpur. This show has been designed by Imagine, a communications marketing agency led by Malhar Deshpande, and is being presented by Global Square and WTC Nagpur, which is being anchored and developed in the heart of the city by the Bhuvan Ganga Group in Sitamarhi. Hamari is pehli shrinkhala ka naam hai Global Gurus. Ji haan, Glocals. यहाँ हम आपको ऐसे नागपुरियंस और ऐसे विदर्भ के वासियों के सामने सामने लाते हैं जिनका हार्ट जो है वो पूरी तरह लोकल है मगर उनका विजन ग्लोबल है। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। इन्हें आप अलग अलग रूप से जानते हैं, कोई इन्हें एंटरप्रेन्योर की तरह जानता है, कोई इन्हें एक पॉलिटिशियन की तौर पर भी जानता है, कई लोग इन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट की तौर पर भी जानते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर राज्यसभा मेंबर श्री अजय संचेती जी के बारे में। अजय सर, आपका इस शो पे बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत इस चीज़ का, मैंने एज अ जर्नलिस्ट काफी पॉलिटिशियंस, काफी एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज किए और लोगों को मैं जानता हूँ। आपके बारे में हमेशा मेरे दिमाग में एक बात फिक्स रहती थी, आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा। और जनरली जो आपके मुकाम में जो लोग रहते हैं उनके पास क्या चीजें काफी चलती रहती है, और 10 चीजें जब चलती तो 8 समस्या साथ में रहती है। तो ये मुस्कान आपकी कैसी बरकरार रहती है? इज इट बचपन से है या यू आर ऑलवेज हैप्पी? हाउ डू यू मेंटेन दैट रिलैक्स्ड मोड? जी, एक तो ये ईश्वर की रचना मानता हूँ, और दूसरा ऐसा है कि जब आपके दिल में और जबान पे एक ही बात होती है तो कभी तकलीफ नहीं होती, इसलिए आदमी मुस्कुराता है। संचेती परिवार मलकापुर बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट का है रहने वाला, और भंडारा डिस्ट्रिक्ट में काम चलता था, पिताजी काम के लिए आए थे जी। तो वहाँ पर काम करते समय वहाँ से नजदीकी अर्जुनी मोरगांव एक बहुत छोटी सी जगह ग्राम पंचायत हुआ था, वहाँ रहते थे हम लोग। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड वहीं से पास किया, और उसके बाद हम लोग जब मैं 5 वर्ष का था 1970 में हम लोग नागपुर आए। तो आपकी ज्यादातर जो बचपन की याद है नागपुर से ही जुड़ी। जी। अब जैसे आप अभी भी मुस्कुराते, तो बचपन में थोड़े शरारती किस्म के थे, लटपट थे? बचपन तो शरारत का ही नाम है दूसरा, लेकिन निश्चित रूप से एक्टिव तो बहुत था। एक्टिव का मतलब कि लटपट है? माँ पिताजी से थोड़ी कभी कभी थोड़ी तो नहीं, बहुत कम। अच्छा, इसीलिए जीवन में आगे कभी डर ही नहीं लगा, बचपन में सब समाप्त हो गया। किस तरफ की मस्ती करते थे आप? ऐसा है कि मैं अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन मैं सिंसियरली पढ़ता नहीं था। जिसको बोलते हैं कि अटेंशन स्पैन जो है, आज 4 घंटे पढ़ना है, मुझे इस नंबर पे जाना है, ये नहीं था। अपने को सब आना चाहिए और पास हो जाना चाहिए, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। खेलकूद में ज्यादा समय देना, दोस्तों के साथ ज्यादा समय देना, कोई कार्यक्रम है तो वो देखते रहना, बचपन से नाटक वगैरह कोई आ रहे तो वो देखने जाना, इन चीजों में ज्यादा रुचि रहती थी मेरी। तो इसके कारण कभी कभी जब वो नंबर गेम में फंस जाती थी कि अरे लड़का तो होशियार है लेकिन नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो इसके कारण कभी कभी तकलीफ होती थी। और जनरली जो ये पार्ट जो था, पिताजी की तरफ से ज्यादा या माता जी की तरफ से? पिताजी तो रहते ही नहीं थे यहाँ पर। अच्छा। तो हफ्ते में 5 दिन काम के लिए बाहर रहते थे जी। ये सब मिक्स कार्यक्रम। परिवार का भी बताइए, आप कितने भाई कितने बहन? हम लोग नागपुर में जब रहते थे तो माता पिता जी, मेरे 3 चाचा रहते थे यहाँ पर, और हम 4 भाई बहन थे। अब हम 3 ही हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरा एक छोटा भाई रहा नहीं, हम 3 भाई बहन। नागपुर में जब आप लोग आ गए, सेटल हो गए यहाँ पे, पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, कॉलेज की जब आई, तो ऐसा कोई आपके जहन में था कि मैं बड़ा होकर यही बनूंगा या पिताजी के साथ काम करूंगा, या कभी कभी कोई एडवाइस भी देता है अरे तुम्हें तो ये करना चाहिए? मेरे साथ भी हुआ है। मैं 10 तक तो नागपुर पढ़ा जी, फिर 11वीं में अपने दादा दादी के पास पढ़ने के लिए, आपको आश्चर्य होगा लोग छोटे जगह से बड़े जगह पढ़ने आते, मैं नागपुर से मलकापुर चला गया 11th। फिर 12th पढ़ने में बाबा आमटे जी का जो आनंद निकेतन कॉलेज बरोड़ा है वहाँ पढ़ने गए, मेरे चाचा रहते थे वहाँ पर। उस पीढ़ी के सब में ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो डॉक्टर थे, वो अच्छे शिक्षक भी थे, तो उनके पास मुझे पढ़ने के लिए भेजा गया, तो मैं वहाँ गया।
फिर मैं नागपुर आ गया, फिर मैंने सीए एंट्रेंस क्लियर की, और हमारे टाइम पे जैसे आजकल सीपीटी बोलते हैं उसको सीए एंट्रेंस कहा जाता था। अच्छा। वो पास की, 6 महीने आर्टिकलशिप की। लेकिन आप हंसेंगे सुनकर कि मन में विचारा है कि बिजनेस दूसरे का और टोटली मुझसे कराते हैं। मैंने कहा मैं अपना ही काम करूंगा और खुद के बिजनेस की टोटल करूंगा, ये सोच के मैंने वो सीए करना छोड़ दिया। उस जमाने में आज इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कहते हैं, लेकिन उसको ठेकेदारी कहा जाता था पहले, और ठेकेदारी को समाज में एक रिस्पेक्टेबल स्थान नहीं था, नहीं था। इसलिए कोई भी माता पिता ये चाहते थे कि बच्चा वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ना बने। हमारे यहाँ भी ऐसे ही सोचा, स्पेशली मेरी मदर, क्योंकि फादर की हार्डशिप लाइफ भी उन्होंने देखी है, 5-5, 7-7 दिन घर के बाहर, महीने में 18 से 20 दिन वो घर के बाहर रहते थे। तो इसलिए फिर मेडिकल कॉलेज में भी डालने की मेरी बात हुई जी। क्या वो एनाटॉमी के 800 पेज की किताब देखी, मैंने बोला कौन पढ़ेगा इसको। बेसिकली एक जगह पढ़ बैठना लगातार और पढ़ना, मैं बहुत पढ़ता हूँ किताबें, लेकिन ये पढ़ाई की किताबों को एक जगह बैठ के पढ़ना मेरे जो कहते हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर को कभी सूट नहीं करता था। इस कारण फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर पिताजी ने कहा करना क्या है, मैंने कहा आपका जो काम है वही करना है मुझे। और इस प्रकार मैं बीकॉम में जब जीएस कॉलेज में पढ़ता था जी, तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने साइट पर जाना चालू कर दिया, मेरा काम उसके साथ ही छोड़ दिया। पढ़ाई के साथ एक तरह से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जी। जब आप स्कूल से निकले कॉलेज में जब आप गए, ऐसा था कि चूंकि मेरे घर का पारिवारिक बैकग्राउंड जो था जी, वो मैं मलकापुर से आया, तो संचेती परिवार संघ और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के दोनों से संबंधित था। मेरे चाचा 5 बार विधायक रहे, मेरे जो छोटे दादाजी थे वो विधायक रहे जी। मैं खुद विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा कॉलेज के समय से, तो उस समय चुनाव हुआ करते थे, तो अभी बंद है। तो उस समय जीएस कॉलेज में चुनाव लड़ाना, नागपुर यूनिवर्सिटी के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाना, जितना मेरे से संभव था वो करते रहा। इस कारण नेटवर्क दोस्तों का अपने आप बढ़ता चला गया। तो जब जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो हम कहते हैं उस समय, क्योंकि बहुत एक्टिव था, अलाउड भी था, जो अपना सीआर होता था, ये सब सिस्टम था, तो उस समय माता जी ने इस पर पैसा कि नहीं बेटा पढ़ाई पे वापस आओ, इस टाइप पे पूछा या फ्री हैंड दिया गया? हैंड दिया गया नहीं, मुझे एक बात का ये था कि जो भी काम करना है अच्छे से करो जी, अपने चरित्र पे और परिवार में कोई दाग नहीं लगना चाहिए, इतना ध्यान दो, इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और उस समय क्योंकि अब आपका सर्कल से पॉलिटिक्स का भी था, बट तो ये कई लोग या तो फुली पॉलिटिक्स तरफ चले जाते हैं, बट आपने फिर बिजनेस रूट क्यों चुना, बिकॉज आपके पास ये भी तो ऑप्शन ओपन था। ऑप्शन ओपन था नहीं, वो था, लेकिन मैं क्या फुल टाइम ये काम नहीं करता था उस समय भी जी। उस समय जब जब जरूरत रहती थी, कई लोग होते हैं जो काम करते करते भी ये काम करते, परिवार में चाचा जो थे वो फुल टाइम इसी में थे, इसलिए बाकी काम भी तो करना जरूरी होता है जी। तो मैं इसलिए काम करते हैं, और बीच बीच में सामाजिक रूप से भी आप राजनीति कर सकते हो जी। कई काम समाज के ऐसे होते हैं जो आप करते रहते हो, और राजनीतिक बैकग्राउंड अगर रहा आपका तो आपको काम करने में सुविधा बहुत हो जाती है। सो इट्स वेरी इजी जी। सो आई कंटिन्यू विद दैट, और इसलिए मैं अपना काम करते रहा। मैं इसको कंपेयर करूंगा, नाउ यू एज अ फादर, because I mean I know how you also have a very great bond with your children. Your daughter ki marriage I attended, you know, and so is tarah se aap as a parent aap zyada se zyada samay kaisa de pate, kyunki aapka bhi to busy schedule hai, so how do you spend that time? Dekhiye rajneeti mein agar aapko jitna samay bhi lena hai ya koi bhi kaam agar aapko karna hai to aapko parivar ka samay sacrifice kiye bina ye ho nahi sakta। मैं तो राज्यसभा में था, लेकिन जो लोकसभा के लोग जाते हैं या जो लोगों के द्वारा बीच में से चुन के जाते हैं उनका जीवन तो और भी डिफिकल्ट है। और मैंने इसीलिए ये रास्ता पब्लिक से चुन के जाने का, मेरा तो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं सोचा कि मुझे लगता था मैं काम भी करता हूँ, मुझे परिवार को भी समय देना है, और दूसरा मेरी रुचि 24 घंटा राजनीति में देने की नहीं थी, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। इसलिए मैं परिवार को भी समय दे पाया, लेकिन निश्चित रूप से जितना देना चाहिए था दे नहीं पाया। और एज अ फादर आपने अपने बच्चों को शुरुआत से ही, आप तो सब एडल्ट्स हो गए, क्या आपने उनको फ्री हैंड रखा या आप बहुत काइंड ऑफ कंट्रोलिंग पेरेंट? देखिए संयुक्त परिवार के अंदर में जहाँ माता पिता चाचा जी भाई सब होते हैं ना जी, वहाँ पे बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की नहीं होती,
बच्चे अपने आप कब बड़े हो जाते पता भी नहीं चलता, आई एम द लकी वन। मेरे यहाँ ये सब थे इसलिए मेरी पत्नी और बाकी सब लोगों ने वो जिम्मेदारी निभाई, इसलिए कभी ना बच्चों को कभी मेरी महसूस हुई ना मुझे। थोड़ा दर्शकों को ये बताइए कि जब ये तो हम आपके फेसेस जानते हैं ना एज अ सोशल सेक्टर में, फिलैंथ्रोपी में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, बट जब आप ये सब चीजें नहीं करते, जब आपको रिलैक्स करना है, आप क्या करते हैं? घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं, पकाते हैं, पढ़ते हैं? मैं बहुत आराम पसंद आदमी हूँ इस मामले में। अच्छा, मैं अच्छे रिसोर्स में जाने की कोशिश करता हूँ देश भर के, विदेशों के लिए जी। उसके बाद में मैं किताबें काफ़ी पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं टेलीविजन बहुत देखता हूँ, मूवीज बहुत देखता हूँ, हिंदी मूवीज, आपकी हिंदी मूवीज, इंग्लिश जो ये मूवीज होती हैं आपकी जिसको कहते हैं कि नहीं वॉर मूवीज बोलिए, एक्शन मूवीज, एक्शन मूवीज जी जी। चूँकि मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा नहीं हूँ इसलिए बहुत लिटरेचर और आर्ट से संबंधित जो भाषा होती है अंग्रेजी की वो मुझे उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो ये जैसे आप मूवीज देखते हो, कोई फेवरेट एक्टर या फेवरेट, या आपको याद है पहली पिक्चर आप कब देखने गए जी? जी मुझे जैसे आप अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, उसके बाद में आप ये जो रॉकी जो क्या सिल्वेस्टर स्टैलोन, ये हो गया, टॉम क्रूज है जी, ये इनकी मूवीज देखते हैं। हिंदी मूवीज में धर्मेंद्र है, अभी भी सचिन देओल के पहले उनकी मूवी देखते हैं। ये शौक, ये शौक है, अभी भी मैं पूरे करता हूँ। और ये जो अभी सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए इसके कारण और ज्यादा देखने मिलती है, लॉकडाउन ने मौका दे दिया जितनी मूवीज देखना है उतनी देख लो। ये तो बहुत अच्छा, आपने कहा किताबों की आप बहुत शौक रखते हैं जी, खास जॉनर की किताब पढ़ते हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मधु मुस्कान चन्ना मामा से लेके, विवेकानंद से लेके, भगत सिंह के लेके, ओम प्रकाश शर्मा का उपन्यास में कुछ भी पढ़ सकता हूँ। हाँ, उसमें से उसके दो कारण है, तो सार्वजनिक जीवन में मुझे पढ़ने का लाभ मिला क्योंकि जो आदमी पढ़ता अच्छा है उसको बोलने में समस्याएं नहीं आती हैं। और मैं हिंदी किताबें ही ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मराठी भी पढ़ता। हाँ, क्योंकि आपका मराठी बहुत ही फ्लुएंट है। हम लोग तो अभी हिंदी में बात कर रहे हैं जी, पर तुम्हें जब माझे से मराठी बोला तो तुम्हारा कळणार नाही महाराष्ट्रीयन आहे की नाही। जी बात आहे, दैट्स अमेजिंग। दूसरा, आपको जैसे आपने कहा आपको ट्रैवलिंग का भी शौक है, और जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा था रिलैक्सेशन के लिए ट्रैवल करते हैं, एडवेंचर वाला नहीं। कोई खास जगह हिंदुस्तान में कोई बहुत प्यारी जगह? भारत में मुझे ये जगह बहुत पसंद है, मुझे शिमला बहुत पसंद आता है। अच्छा, वहाँ का मौसम, खान पान, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये उत्तराखंड हिमाचल को कई बार देवभूमि कहा जाता है, वहाँ पे आप जाइए और वास्तविक में लोगों से मिले तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविक में बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के, इसीलिए उसको शायद देवभूमि कहा जाता है। नागपुर की गर्मी से तो बहुत अच्छी है ना? देखिए ऐसा है, गर्मी ज्यादा है लेकिन शहर तो अपना है इसलिए उसके आदि हो गए। जब 45 से 42 डिग्री आ जाता है तो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। जी हाँ। और विदेश में कहीं आपकी कोई फेवरेट जगह है आप बहुत पसंद करते हैं? क्यों? विदेश में ऐसा है कि सिंगापुर एक बहुत अच्छी जगह मुझे लगती है। एक तो क्या है कि बहुत बड़ा देश नहीं है, और एक ऐसी जगह जहाँ पे आइलैंड भी है, जहाँ पे सिटी लाइफ भी है, दूसरा वेजिटेरियन हो तो खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है जी। अब तो बहुत वेगन कल्चर शुरू होने से अब तो दुनिया भर में बहुत खाने की चीजें मिलने लग गई हैं, पर अदरवाइज शुरू में दिक्कतें होती थी। कई जगह अंडा और फिश को वेज माना जाता है, हमने वो कभी खाया नहीं जी, इसलिए पर सिंगापुर जगह मुझे बहुत पसंद है। मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाता हूँ, क्योंकि अब आपने लाइफ में इतने सारे सेक्टर्स में आप रहे हैं, कहीं ना कहीं सक्सेस तो ऑब्वियसली हम सब देखते हैं, बट फेलियर्स किसी ने आपके नहीं देखे। जब आपने कहीं फेल हुए होंगे किसी भी बिजनेस में, किसी सोशल एक्टिविटी में, और फिर वहाँ से सीख कर अपने आप को और उभारा है, कि आप दर्शक होंगे, चाह रहा इसलिए होंगे कि कई जो दर्शक हैं यंगस्टर्स भी हैं जो थोड़े फेलियर से एकदम से निराश हो जाते हैं, कई लोग एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, तो ऐसे लोग को थोड़ा सा आप सिखाने कुछ आपके लाइफ का एक्सपीरियंस बता दें। मेरा एक ही कहना है जो मेरा अपना अनुभव है जी, आज की जो पीढ़ी है जी, उसके लिए मैं मेरे अनुभव से जो कहता हूँ, जैसा कि आपने चाहा है सर, आज कोई भी अगर काम करना है तो एजुकेशन में मस्त है। मैं अच्छा स्टूडेंट था, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी, परिवार का पूरा सपोर्ट था, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, मैं सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट रह के छोड़ दिया सर। लेकिन आज मैं यही सोचता हूँ कि जब मैंने बिजनेस किया या मैं पार्लियामेंट में रहा, अगर मैं और पढ़ा होता
तो मेरा काम शायद और अच्छा हो सकता था। दूसरा, आज की जो आपाधापी की लाइफ है, इतनी ज़्यादा लाइफ अभी डिफिकल्ट हो गई है, कॉम्पिटिशन की लाइफ है, इसमें इफ़ यू हैव टू सर्वाइव यू मस्ट हैव गुड एजुकेशन। इवन इफ यू हैव टू ओपन ए पान शॉप, यू शुड बी एजुकेटेड, देन यू कैन एज ए एंटरप्रेन्योर रन दैट पान शॉप एंड यू कैन बी ए मिलियनेयर। क्योंकि एजुकेशन से आपको पॉलिश आती है, बात करने का सलीका आता है, समाज में उठना बैठना, लोगों के साथ बात कैसे करना, एक आपका आउटलुक चेंज होता है उससे। इसलिए जो भी काम हम करें, लेकिन जो पढ़ाई का हमारा समय, आपको पढ़ना क्या है आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन पढ़ाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो पढ़ने के बाद में आप कोई भी काम करिए, यश आपको 100% मिलेगा, किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को देरी से, लेकिन मिलना 100% है। सर, जैसे हम अपने अनुभव से सीखते हैं, तो मैं अगेन एज अ फादर आपको पूछता हूँ, क्या आपने अपने बच्चे को इस तरह की भैया पहले पूरी एजुकेशन कंप्लीट करो, तब तक मेरे पास जुड़ना नहीं है बिजनेस में? बिल्कुल नहीं, उन्होंने सारों ने अपना एजुकेशन पूरा किया, उसके बाद ही वो काम में आया। जी, आपने शुरुआत से उनमें ये नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप ही उस रास्ते पे चल गए, उसमें मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। ओके, दूसरा, हम आपसे बात कर रहे थे, आपने सीखा कि आप खाने पीने के भी बड़े शौकीन है, तो आप बनाते भी हैं कभी? कुकुक करते हैं, टाइम मिलता है? मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, सब्जियाँ बना सकता हूँ। कौन सी जरा बताइए हमको? मटर की सब्जी बना लीजिए, भिंडे की बना लीजिए, मारवाड़ी सब्जी होती है, पापड़ बड़ी की सब्जी होती है, बना लेते हैं? हाँ बिल्कुल बना लेता हूँ, बट आई नीड असिस्टेंट। जी, जो शुरू कर दे, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी वो शौक से जब ट्रिप्स पे, फैमिली ट्रिप्स पे जाते हैं जी, तो फिर फैमिली साथ में होती है, पेरेंट्स थे, मेरे फादर तो रहे नहीं, तो उस समय में बनाता था सब्जी वब्जी बना लेता था। मैं चार दिन थोड़ा दर्शकों को अगेन, क्योंकि मैं मुझे को यकीन है कि बहुत यंगस्टर्स इसको देख रहे हैं, शेड्यूल आप लोग कैसा मैनेज करते हैं? आई मीन एवरी बिग मैन हैज सो मेनी थिंग्स गोइंग फॉर हिम, आप कैसे समय बांट पाते हैं आपको टू अकम्प्लिश एवरीथिंग? नहीं, ऐसा है कि देखिए, जब तक मैं काम करता था तो काम प्रायोरिटी हुआ करता था, जब मैं राज्यसभा चला गया तो मैंने टोटल काम छोड़ दिया। इसलिए काम की जिम्मेदारी, जो बिजनेस की जिम्मेदारी उस समय मिली थी, मैंने अपने सभी संस्थान जितने भी बिजनेस कंपनीज जो थी सबसे रिजाइन कर दिया था जी, जी। इसलिए मुझे कभी उसमें दिक्कत हुई थी। और दूसरा देखिए, ऐसा है कि जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, जब बिजनेस में काम करते हैं, तो आपके टारगेट्स होते हैं जी, आपको ये कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बिना पैसा नहीं मिलता और आपका काम भी पूरा नहीं होता। जब आप राजनीति में होते हैं तो आपको वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्प्लीट करनी होती है जी। 10 लोगों के बीच में काम करना होता, तो आप ये हमेशा चाहते हैं कि अपना काम कमजोर ना रहे कहीं भी, अपनी पढ़ाई कमजोर ना हो किसी विषय की, इसलिए उसके लिए समय देना, इसलिए ये तय हो जाता है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने सोच समझ कर चूज किया है कि मुझे ये करना है, हाँ ये बर्डन के स्वरूप में रहे, किसी ने थोप दिया है मुझ पर, तो वो काम भी 10 घंटियाँ निकल सकती है, अदरवाइज कोई बहुत डिफिकल्ट, अंदर से वो आना चाहिए, आदमी के अंदर में, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होती कोई सॉफ्टनेस, बिल्कुल। और परिवार का सपोर्ट सब में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कि वो ये समझ लें कि भाई ये इस काम में गए हैं तो इस काम में ही हैज टू गिव हिज 100%, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट जी, मेरे घर में सब ने शुरू से राजनीतिक जीवन भी देखा था और काम का भी देखा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो आप एक्सपोज हो गए थे बचपन से उसमें जी। सर, आप जब नागपुर आए तो तब आप 5 साल के थे, तब का नागपुर भी आपको याद है और आज का नागपुर भी याद है, तो चेंजेस तो बहुत आए। मगर कई लोग ऐसा समझते हैं, लोग का ऐसा एक एटीट्यूड होता है, नागपुर में कुछ नहीं है, बॉम्बे जाओ, पुणे जाओ, ये सब जगह जाओ, ऐसे लोग को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास कोई एंटरप्रेन्योर अगर शुरू करना है? शुरू करना देखिए, अभी ऐसा है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है जी, वो बन चुकी है दुनिया जी। आप नेट के सहारे चाहे यहाँ बैठे रहिए, लॉस एंजलिस में बैठे रहिए, जी यू आर कनेक्टेड। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, नागपुर शहर जब हम आए तो इसको पहले कहा जाता था एक बड़ा विलेज है। ओके, लेकिन आज आप देखिए, फॉर्चुनेटली नागपुर में लीडरशिप इतनी स्ट्रांग रही लोगों की जी। हर देखिए, राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं कभी इस तरीके के टॉक्स में पॉलिटिकल बात करता नहीं है, वैसे भी क्रिटिसाइज करना मूलतः मेरे स्वभाव में नहीं है। किसने क्या नहीं किया उसकी जगह किसने क्या किया उस पर हम चर्चा करें तो बहुत काम है करने, इसलिए हर एक ने अपना अपना काम किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो गए यहाँ पर, उन्होंने इतना काम करके नागपुर में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आ गए, मतलब पीपल आर एनवी ऑफ अस कि नागपुर में इतना काम हो रहा है।
पुणे के लोग पूछते नागपुर में मेट्रो चालू हुई, हमारे यहाँ तो काम अभी शुरू हुआ। मैंने कहा 41 मैंने कहा गडकरी जी ने यहाँ शुरू किया, फडणवीस जी ने स्टेट से पैसा दे दिया, दोनों ने मिलके। मैं तो कहता हूँ कि गडकरी एंड फडणवीस इज अ जॉइंट वेंचर फॉर नागपुर एंड महाराष्ट्र। तो कंट्री में होता ये दो बड़े पॉलिटिशियंस का जॉइंट वेंचर, नागपुर कहाँ से कहाँ पहुंचा। तो मैंने कहा पुणे वालों ने अलाइनमेंट पहले से तैयार नहीं किया मेट्रो का, इसमें उनका यहाँ वालों का दोष थोड़ी है। मैंने कहा फिर जसमिन सर भाई अरे हम पहले तैयार थे, हमारे यहाँ पहले शुरू हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार के। इस प्रकार मैं देखता हूँ अपॉर्चुनिटीज की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, कनेक्टिविटी एक जमाना जरूर था। क्या होता है बड़े उद्योग जब आते हैं तो बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं आता, उसमें ये भी देखना पड़ता है कि वायबिलिटी है कि नहीं। नागपुर में जब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है तब से अनफॉर्चुनेटली दुनिया में मंदी आई है। आप अगर 2008-09 से रियल इस्टेट का जो फॉल हुआ था वहाँ से देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी 2008-09 के बाद में उठी नहीं है जितनी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा चेंजेस बहुत में है, लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तैयार है, हमारा सिर्फ एक काम अभी बचा है वो जो मिहान कंप्लीट डेवलप होके बड़ा एयरपोर्ट बन जाना, वो भी बन जाएगा आज नहीं कल बन जाएगा। ये होने के बाद में जब भी दुनिया में तेजी आएगी और आना 101% आप और मैं इसी समय इसी जीवन में देखेंगे, बिल्कुल उस समय आप देखिएगा नागपुर विल बी ए प्रिफर्ड लोकेशन। आज हम यहाँ अच्छे से रह सकते हैं, मकानों की कीमत अफोर्डेबल है, हाईवेज अगर देखो तो चारों तरफ जो इतने बढ़िया बन गए, 0 माइल नागपुर में होने से कनेक्टिविटी चारों तरफ है हमारे पास। इसलिए ये आना मैं ये बोलना है इसलिए आपके साथ बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं, ये मेरा कन्विक्शन है पर ये होना ही ये रुक नहीं सकता। इसलिए ये आप देखिए ना नागपुर में भारत सरकार के कई उपक्रम है, यहाँ यहाँ उनके कई अधिकारी रिटायर, चाहे वो बिहार से आया हो बंगाल से आया हो वो सेटल ही हो जाता है। क्या कारण है? एक शहर का सुख मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और अफोर्डेबल, ये चारों चीजें आपको इकट्ठी अगर मिलनी है तो नागपुर में, ये नहीं कहूंगा अपने देश में और भी अच्छी जगह है but Nagpur is a preferred location and a wonderful location for all this. All the facilities of a metro city with the peace and quiet of a small city. ये अपने इधर perfect है, शांति है, facilities सब है अपने पास। अपने पास देखिए शहर बढ़ रहा है जी, तो जहाँ crowded होना चाहिए youngsters के लिए वो भी है जी, और जहाँ शांति होनी चाहिए वो भी है पूरी की पूरी, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसलिए बहुत अच्छा बैलेंस है हम लोगों के। दूसरा यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत अच्छे हैं जी। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं यहाँ पला बड़ा और रह रहा हूँ जी, मैं इसलिए कहता हूँ कि गॉड फियरिंग लोगों की सिटी है जी। जी यहाँ एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता से देखने का दृष्टिकोण है लोगों के पास में, अच्छी बात करते हैं लोग एक दूसरे से जी, इसलिए यहाँ पे लोग बस जाना चाहते हैं और कोई कारण नहीं। अजय सर आपकी लाइफ को एक या दो लाइन में बयां करना तो मुश्किल है बिकॉज ऑफ दी सक्सेस, बट फिर भी अगर आप यंगस्टर्स को कुछ गुरु मंत्र जिसे हम कहते हैं कि हाउ टू सक्सीड इन लाइफ, यू नो सबके लिए जनरल है, व्हाट विल यू टेल देम? पहली बात तो ये है कि जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, कंपल्शन में कोई काम नहीं करना चाहिए। कंपल्शन अब कई बार क्या हो जाता है बड़ी थिन लाइन हो जाती है जी, बच्चों को लगता है कि ये ठीक है और माँ बाप को लगता है ये ठीक नहीं है जी, बच्चों को लगता है कि बच्चों में माँ बाप को लगता है बच्चों में समझ नहीं है, बच्चों को लगता है कि माँ बाप करने नहीं दे रहे। लेकिन इस डायलिमा से ऊपर उठ के जो मन में लगे कि ठीक है वो काम करना चाहिए, लेकिन अगर आपने तय किया कि ये ठीक है तो उस पर 100% देना चाहिए और वो काम करना चाहिए, चाहे आपको जो भी बनना हो। अगर आपने उस तरीके से काम कर लिया तो एक सक्सेसफुल इंसान बनने में, देखिए सक्सेसफुल रहना और पैसा कमाना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप अपना काम करते चलिए, पैसा आपके पीछे चलेगा। पैसे के पीछे आप चलते रहेंगे तो शायद हाथ में कितना आएगा मुझे मालूम नहीं, मेरा ये अपना अनुभव रहा है। मैं कोई ये पढ़ी हुई बातों पर बता के फायदा नहीं है। यू कैन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, आप तो एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपसे बेहतर कौन कर सकता है, लेकिन उससे फायदा नहीं होता जीवन में जी। इसलिए जो वास्तविक में आचरण में लाता और अगर कर सकते हैं तो हाँ बोलना है, नहीं कर सकते तो तुरंत वहां से हट जाना। हम लोग क्या करते हैं कई बार प्रयोग करने में समय इतना गवा देते हैं,
एक बड़ी उदाहरण बड़ा खराब है, जो आदमी जुआ खेलता है बेटिंग उसको रेसिंग बोलते हैं, वो जब हारने लगता है तो रिकवर करने के लिए और ज्यादा बेट लगाता है, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू। अगर हम हार रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हमको ये खेल नहीं आता है और हट जाइए वहां से। हर इंसान हर काम के लिए बना हुआ नहीं, तो आप जो कर सकते हैं कर सकते हैं वो करिए, उसमें और कुछ इससे ज्यादा सोचने की कोई बात ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। सिंपल तरीके से इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हम कैसे बोलते हैं, यू नीड टू नो व्हेन टू स्टॉप, इंग्लिश में कट योर लॉसेस है ना, वहां रुक जाए तो वो बड़ी बात है। पता नहीं मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया, बहुत ही खूबसूरती से आपने उसको बयां किया। सर अभी बातें तो काफी है मगर समय की पाबंदी के कारण हमें शायद यहीं पर रुकना पड़ेगा, बट थैंक यू सो मच क्योंकि आज आपने जो हमें हमारे दर्शकों को खास करके जो जीवन के आपके पहलू बताए, ऐसा अजय जी संचेती जी को शायद लोगों ने नहीं देखा होगा पहले, जो बचपन में मस्ती किया करते थे, आपने कहा माता पिता जी के थोड़ी डांट के बारे में भी आपने बताया, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मल्हार देश पांडे जी को आपके इस उपक्रम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request Malhar Deshpande, Chief of Imagine, to please present a memento to Shri Ajay Ji Sabde Ji. You get a once in a hundred years opportunity. Spread across a million square feet at Sita Birdi Market. Glocal Square breaks through the clutter, changing the face of the retail industry. Welcome to the Global Mall with a local heart. The most preferred shopping destination now becomes even more desirable with all the global leading local brands coming together under one roof. Glocal Square makes your shopping experience very convenient and exciting at the same time, with over 1 lakh shoppers every day.